हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो अपनी ये आईब्रो है इसको प्लकर से कैसे सेट करना है। तो अभी देख सकते हैं आप, मेरी आईब्रो इतनी बढ़ रखी है, दोनों आईब्रो देख लीजिए। और इसको मैं अभी इस प्लकर से हेल्प से और अभी बनाते हैं। तो पहले अपन क्या करना है, पाउडर लगाना है, थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा देना है। जिससे दोनों आईज में थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा देना है। और हल्के हाथ से स्टार्ट करना है, एक एक बाल, जरूरी नहीं है एक साथ सारे बाल लेना, जितना प्रॉपर। थोड़ा सा आइस को ऊपर की ओर खींच कर आप इसकी हेल्प से, क्योंकि अभी इस समय पर कहीं भी बाहर आप जा नहीं सकते, तो ये एक आपको हर चीज़ थोड़ी बहुत और चीज़ की एक शेप देनी है। आप चाहें तो इसमें पहले आईब्रो से निशान लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी हैबिट है और मैं कभी नहीं हो पाया तो इससे बना लेती हूँ अक्सर। इस आईब्रो में मेरी चोट भी लगी थी, तो ये आईब्रो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी शेप जैसे आने लग गई है। तो अब ये जो छोटे छोटे बारीक और दिख रहे हैं अपने, इनको भी हम पूरा हटा लेते हैं। थोड़ी सी आईब्रो ऊपर की तरफ खींचनी है, और पूरा नहीं हो पाया तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप इससे
ये मैंने अब लगभग कर लिए इस आईब्रो को, और छोटे मोटे जो भी रह गए हैं वो वापस से एक बार आप आराम से इजी गोइंग निकालना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि ना तो स्किन पकड़ में आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको धीरे धीरे करना है, एक इशारे से करनी है चीज़ें, और प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। जो स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है, ऐसे नहीं ना तो आपकी स्किन पकड़ में आएगी तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। देखिए मेरी आईब्रो लगभग रेडी हो गई है। अब ऊपर के शेप के लिए भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें जो जो बाल है इजी गोइंग खींचना है। और शेप में लेकर खींचना है। अभी मैं दूसरी आईब्रो में आपको इसमें जो भी इसको स्टार्टिंग में करा, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा धीरे धीरे इसको हाथ को ऐसे स्किन पर लेते हुए लेना है। जो भी थोड़े एक्स्ट्रा बाल निकले हैं तो अपन उसको कैंची से कटिंग कर देंगे। ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट अच्छी बाहर जैसी आईब्रो बनी है, क्योंकि इस समय तो आप लोग को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा होगा, तो ये समय बहुत अच्छा है कि आप कोई भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर अपनी हैबिट को कर सकते हैं। ये देखिए देखिए कितनी परफेक्ट अच्छी बनी है आईब्रो। अब मैं दूसरी आईब्रो कर कर बताती हूँ आपको। ये तो मैंने आईब्रो पेंसिल की हेल्प नहीं ली थी, वैसे ही अपनी आईब्रो की जो शेप है उससे ही करा था। तो इसमें मैं पहले शेप कर लेती हूँ एक बार आईब्रो से, तो जिसको प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसे एक बार शेप में लेकर उसी शेप से अब उल्टे हाथ की तरफ से धीरे धीरे दूसरे हाथ पर हम लोग, मैंने इसमें पाउडर ऑलरेडी लगा दिया था, तो जैसे भी कंफर्टेबल हो आपको एक बार। और अगर आप चाहें तो उल्टे हाथ की हेल्प से भी अपनी आईब्रो को सेट कर सकते हैं। करना धीरे धीरे है, जो कि आपको
धीरे अपने स्किन को बचाकर, क्योंकि स्किन पकड़ में नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, डीप फिनिशिंग से आईब्रो बन रही है। ये भी बीच के जो भी बाल एक्स्ट्रा है उनको आप लेकर आराम से धीरे धीरे अब इसकी भी हम थोड़ी कैची से कटिंग करेंगे जो भी ऊपर गए। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर आईब्रो बन गई पूरी। ये थोड़े से दो बाल और रह गए छोटे छोटे। हम दोनों आईब्रो का आप देख सकते हैं पूरी तैयार हो गई है, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बन रखी है आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दोनों आईब्रो मेरे बहुत अच्छे से तैयार है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।